आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री और राजनीति के आजाद शत्रु आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है और पूरा देश उनको सदा सुमन भी कर रहा है। और एक ऐसे महामनीषी जो एक कवि भी थे, इतिहासकार भी थे, एक अच्छे प्रखर वक्ता भी थे और एक अच्छे राजनेता भी, जिनको आज लोकप्रिय और नेताओं के रूप में पूरा देश याद करता है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सुचिता से, अपनी वाक चातुर्य से, अपनी रणनीति से और प्रधानमंत्री रहते हुए कितने ही दलों को साथ लेकर देश में गुड गवर्नेंस देने का काम किया। कैसे राजनेता जिनके लिए विपक्ष के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। नेहरू जी ने तो ये कहा कि ये एक दिन आगे चल के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री कालखंड में हम सब लोगों ने देखा है कि अपने 75वें जन्मदिन पर कोई ये नहीं देखा कि किस प्रदेश में मेरी सरकार है, किस गांव में मेरे विचारधारा के लोग हैं, मत देने वाले लोग हैं, मेरी पार्टी को मत देने वाले लोग हैं। एक स्टैंडर्ड फिक्स किया कि 1000 की आबादी से लेकर 500 तक की आबादी को, सारे गांवों को सड़कों से जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से और डेजर्ट हिली एरिया और ट्राइबल एरिया में 250 तक की आबादी को सड़कों से जोड़ने का एक अभियान शुरू किया। उन्होंने कहा कि मेरी देश की आत्मा गांव में बसती है और उनका वजन का फोकस भी गांव, गरीब और किसान रहता था। और उसके बाद हमने कभी सोचा नहीं था, विदेशों में फोन लाइन और बड़ी सड़कें देख रहे थे, इस वेस्ट कॉरिडोर हो, गोल्डन कॉरिडोर हो। उन्होंने अपने कालखंड में किया, उस कालखंड में पूरा नहीं किया। वो पोखरण का परमाणु विस्फोट भी कोई नहीं भूल सकता, जहां दुनिया कहती थी कि हमारे बिना जानकारी परिंदा भी पर मारता है तो हमें जानकारी हो जाती है, लेकिन दुनिया देखती रह गई और पोखरण में परमाणु विस्फोट करके पूरी दुनिया में भारत सर ऊंचा करने का काम। इतना ही नहीं, दूर संचार नीति के माध्यम से क्रांति लेकर आए और उसी काम को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। आज हम देखते हैं कि प्रत्येक पंचायत में फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्टिविटी शुरू हुई है, जिसके कारण सारी जानकारियां, जिसके कारण सारी योजनाएं, सारा लेन देन कनेक्टिविटी होने के कारण सुलभ हो पाए। प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे हाईवे हो, ये आदरणीय अटल जी ने शुरुआत की, इस काम को आगे बढ़ाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में वृहद स्तर पर पूरे देश भर में हो रहा है। क्योंकि हम सब लोगों ने ये भी देखा है कि पहली बार किसी फैक्ट्री का और शोरूम का बीमा होते हुए तो देखा था, लेकिन अटल जी के सरकार में पहली बार फसल बीमा होता भी इस देश के लोगों ने देखा था कि किसान की फसल का भी बीमा होना चाहिए। ये पहली बार अगर इस योजना को कोई लेकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी, और उसमें कई उस योजना को आगे बढ़ाकर उसमें और सरल बनाने का, सुलभ बनाने का, किसान हित में बनाने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने। वो जमाना था तब कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेके आता तो बैंक वाले आगे चल के लोन देते थे, लेकिन किसान को खाद बीज लाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो देश में पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर आए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी। हम सब लोगों ने देखा है कि राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा योजना,
इस योजना की शुरुआत अगर किसी ने की तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। देश में पहली बार जनजाति मंत्रालय बना वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार में बना, आयोग का गठन हुआ और हम सब लोगों ने देखा है कि ना सिर्फ वो एक संवैधानिक दर्जा दिया बल्कि एक बहुत बड़े वर्ग को जोड़ने का, जनजाति वर्ग के कल्याण का काम की शुरुआत उसमें हुई। और आदरणीय मोदी जी की सरकार में आज जितने एकलव्य, जितने केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय है उससे ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल देश भर में जनजाति क्षेत्र में उन बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत उन्नत और गुणवत्ता वाले विद्यालय खुले हैं जिनकी लागत करोड़ों रुपए में है, जो 750 की संख्या जाती है। आज पहली बार वंदन योजना हो, चाहे ट्राइबल एरिया में डेवलपमेंट के काम हो, सरकार इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस कालखंड में पूरे देश भर में देखा है कि कैसे उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल से पूरे देश भर में जनमानस पर एक छाप छोड़ी है। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, वो लाइनें दो पंक्तियां आज भी कई लोगों के मन में वो भाव खड़ा करती है। तो आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है, भारतीय जनता पार्टी इस दिवस को मना रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी ने जिस प्रकार से कारगिल युद्ध में विपरीत परिस्थितियों में जहां दुश्मन कई मील ऊपर बैठा है उस लड़ाई को भी जीतने का काम पहली बार, पहले शहीदों के सिर्फ बेल्ट और उनके वस्त्र घर पर आते थे लेकिन उन्हीं के कालखंड में उनका शहीद का शव गांव आने की परंपरा शुरू हुई और बहुत सम्मान के साथ उनकी अंतिम संस्कार होता था, सैनिक सम्मान के साथ, और उस काम को आगे बढ़ाया। वन रैंक वन पेंशन हो, चाहे देश की सीमा सुरक्षित करना हो, ये आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस काम की साजो सामान हो, चाहे रक्षा उपकरण हो, आज भारत दुनिया के अग्रिम देशों की गिनती में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा हुआ है।